ठीक है, तो लॉगिन के बाद अब हमें डैशबोर्ड पे काम करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक एक्शन बनाया डैशबोर्ड का, ठीक है, और उससे मैंने रिटर्न करवा दिया एक अदद व्यू। ठीक, अब डैशबोर्ड पर आने के लिए बंदे का लॉगिन होना जरूरी है, तो उसके लिए हमने ये किया कि मैंने कहा भाई, इफ अगर सेशन जो हमने बनाया है यू नेम का, अगर वो खाली हो, अगर वो सेशन खाली हो तो इसको रीडायरेक्ट कर देना, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, कहाँ भेज देना, दोबारा इंडेक्स पर। ठीक है, और इंडेक्स पर भेजते वक्त क्या करना, व्यू बैक के अंदर डॉट मैसेज के अंदर, ठीक, पास कर देना कि भाई यू आर नॉट लॉग्ड इन, कि भाई आप लॉगिन नहीं है, अगर वो डायरेक्ट घूम कर आएगा डैशबोर्ड से, ठीक है, तो वहां पर वो प्रिंट हो जाएगा कि यू आर नॉट लॉग्ड इन। ठीक है, आपको लॉगिन करना पड़ेगा, या लिख दें लॉगिन फर्स्ट, लॉगिन फर्स्ट, कि भाई आपको लॉगिन नहीं हुआ होगा। ठीक है, अदरवाइज तो जो है वो व्यू आ जाएगा। तो मैं भी आपको चलाकर दिखाता हूँ कि जब हम डायरेक्ट जाना चाहेंगे डैशबोर्ड के व्यू पर, ये डैशबोर्ड का व्यू है, मैंने ऐड कर दिया व्यू, नाम डैशबोर्ड ही है इसका, और इस पर डैशबोर्ड लिखा हुआ है। ओके, मैंने इंडेक्स के पेज से रन किया इसको, तो देखें ये एडमिन का इंडेक्स है। ठीक, अगर बंदा कोई डैशबोर्ड पर डायरेक्ट जाना चाह रहा है, डैशबोर्ड पर एंटर किया उसने, तो उसको वापस कहाँ भेज दिया गया, यहाँ पर। मैंने दोबारा उसको, मैंने कहा आप ऐसा करें कि आप डैशबोर्ड पर चले, तो वापस इधर ही आ रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेशन उसका भी बना हुआ नहीं। ठीक है, तो ये टेस्टिंग तो प्रॉपर हो गई। अब डैशबोर्ड पर ये डैशबोर्ड आ रही है। अब यहाँ पर एक चीज है कि भाई लेआउट अभी तक नहीं बना हुआ। जो लेआउट हमारे पास है बड़ा बेसिक सा है, उस पर लिखा हुआ है इंडेक्स और होम। ठीक है, एप्लीकेशन का नाम, अगर मैं यही लेआउट अपने एडमिन पैनल के लिए यूज करना चाहता हूँ तो मैं इसी में रेडी कर लूँ। अगर कोई डिफरेंट लेआउट यूज करना है तो ठीक है, मैं एडमिन पैनल के लिए रखूंगा, फ्रंट एंड के लिए दूसरा लेआउट लगा लूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया शॉप, माय शॉप नाम रखा था ना, माय शॉप, ये हमारे एप्लीकेशन का नाम है। इंडेक्स होम लिखा है, ठीक है, ये एक्शन लिंक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और मेन्यू जो है इसका, नैव बार जो है इसमें नहीं है कोई नैव बार, हाँ इसमें कोई नैव बार इस वक्त नहीं है, तो मैं नैव बार लगाना चाहता हूँ यहाँ पर। ठीक है, एट द रेट html डॉट एक्शन लिंक, ठीक है, एक्शन लिंक है ये। एक्शन लिंक के आर्ग्यूमेंट होते हैं, पहला आर्ग्यूमेंट के लिखना क्या है, दूसरा आर्ग्यूमेंट कौन सा आपका जो है वो कंट्रोलर है, आपका एक्शन क्या है और कंट्रोलर कौन सा। ठीक है, अब हम जब कैटेगरी पे जाना चाहेंगे तो हमारा कैटेगरी का बनेगा tbl cat, या लेट्स से कैटेगरी के नाम से हम जब बनाएंगे, तो याद रखना कैटेगरी के नाम से कंट्रोलर बनाएंगे, उसमें इंडेक्स होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, अगर मैंने कोई क्लास देनी है इनको, तो डिपेंड करता है मेरा डिजाइन कैसा है। यहां पर मैंने लिख दिया फ्रंट पे कैटेगरीज, एक एक्शन हो गया, दूसरा एक्शन हो गया। अब ये यूएल के अंदर है हम, तो डेफिनेटली हमें एलआई बनाना पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर इस एलआई के अंदर दूसरा वाला जो है वो मैंने बना दिया किस लिए, प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, और उसका जो मेरा जो उसका कंट्रोलर बनेगा वो भी किस नाम से बनेगा, प्रोडक्ट्स के नाम से। ठीक है, सेव किया मैंने, आके जरा देख लेते हैं। अच्छा, अभी एप्लीकेशन नहीं चल रही है, मैं वैसे ही इसको यहाँ से चला कर देता कि वो जो मेरे एक्शन आए हैं वो नजर आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहा तो डेफिनेटली मुझे उसकी क्लास को सेट करना पड़ेगा। ये हमें नज़र आ गए, ठीक, ओके, कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स ये हमें नज़र आ रहे हैं। बट सवाल ये कि सर इंडेक्स पे तो आने नहीं चाहिए, इंडेक्स पे नहीं आने चाहिए, डेफिनेटली नहीं आने चाहिए। अब क्या करें, तो अब दो तरीके हैं, आप यहाँ पर इफेल्स लगा सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू वॉन्ट टू वर्क हेयर, आप यहाँ पर एट द रेट इफ कर सकते हैं, और आप इसमें सेशन पे बात कर सकते हैं कि भाई यू नेम वाला सेशन अगर
नॉट नल हो, जब नल ना हो तो फिर तो ये दिखाना, अदरवाइज नहीं दिखाना। तो अभी सेशन नहीं है, ठीक है, तो देखो गायब हो गया, जब सेशन बन जाएगा तो ये नज़र आ जाए। समझ आ गई, सिंपल हो गया, ओके।